आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली गूगल के क्रॉलर्स के बारे में, और हम लोग ये जान रहे थे कि गूगल के क्रॉलर क्या करते हैं। तो गूगल क्या करता है, जब भी कोई भी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव होती है या फिर कोई भी वेबसाइट बनाई जाती है, तो गूगल क्या करता है, अपने क्रॉलर्स को भेजता है, और उनके क्रॉलर्स आगे क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट से सारा का सारा कंटेंट लेकर के चले जाएंगे। उसमें बुक्स भी होंगी, उसमें न्यूज भी होगी, उसमें इमेजेस भी होंगी, उसमें फोटो वीडियो मैप भी होंगे, जितना भी कुछ होगा सब लेके चले जाएंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, उन सारी की सारी चीजों को इंडेक्स करेंगे। इनका अगला काम क्या होगा, इंडेक्स करना। इंडेक्स करना का मतलब क्या है कि बुक के सेक्शन में बुक को रख दो, न्यूज के सेक्शन में न्यूज को रख दो, इमेजेस के सेक्शन में इमेजेस को रख दो। उसके बाद क्या करना है, जब यूजर उन चीजों को फाइंड करेगा, जब यूजर उन चीजों को फाइंड करेगा, तो गूगल की जिम्मेदारी होगी कि वो उनको क्या कर सके, सर्व कर सके। और सर्व भी कैसे करेगा, रैंकिंग के हिसाब से। सर्व भी कैसे करेगा, रैंकिंग के हिसाब से। देखो पता है आपको क्या होता है, जब भी आप लोग जब भी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि आपने कुछ भी बनाया, ओके सुनो, तो बेसिकली होगा क्या, ऐसे समझो, मान लो जैसे फर्स्ट टाइम कोई भी यूट्यूब पेज बनाया जाता है, ठीक है, या फिर फर्स्ट टाइम कोई भी वेबसाइट बनाई जाती है, तो गूगल के क्रॉलर्स करते क्या है कि जब भी कोई नया यूजर जाता है उस पर्टिकुलर नीश के ऊपर चीजों को सर्च करता है, तो वो हमेशा नए लोगों के डेटा को दिखाता है। मतलब गूगल की प्रेफरेंस हमेशा कौन रहता है, नए लोग। गूगल सबसे पहले आपके डेटा को 2-3 लोगों को दिखाएगा, 10 लोगों को दिखाता है। ये गूगल का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है, सबसे पहले आपके द्वारा बनाया गया कंटेंट गूगल कितने लोगों को दिखाएगा, 10 लोगों को दिखाएगा। उन 10 लोगों में से अगर 2 से 3 लोगों ने भी आपके कंटेंट को पसंद कर लिया, तो जाहिर सी बात है गूगल फिर क्या करेगा, आपके कंटेंट को 100 लोगों को दिखाएगा। उसमें से फिर देखेगा 20 से 30% लोग अगर आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, तो फिर वो 1,000 लोगों को दिखाएगा। ऐसे ऐसे कर करके गूगल अलग अलग तरह से लोगों को दिखाता रहेगा, और ये चेक करता रहेगा कि इनके कंटेंट पर जाने के बाद लोग रुकते भी हैं नहीं रुकते हैं, समझ रहे हो। और अगर नहीं रुकते, तो जाहिर सी बात है कि इनका जो कंटेंट है वो रिलीवेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है गूगल ने ये जान लिया कि अगर इनका कंटेंट रिलीवेंट नहीं है, और अगर गूगल ऐसे ही नए नए यूजर्स को ये कंटेंट देता रहेगा, तो लोगों का एक्सपीरियंस इनके कंटेंट से क्या हो जाए, खराब। अब कहोगे गूगल ये सब चीजें कैसे जज करता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा रहे हो, उस वेबसाइट में जाने के बाद आप 2 मिनट भी उस वेबसाइट में नहीं रुक रहे हो, आप तुरंत वहां से बैकआउट हो जा रहे हो, तो गूगल की नजर में क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है इन्होंने अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग इस पे आ रहे हैं तुरंत जा रहे हैं। अब एक चीज बताना, मान लो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलती से पहुंच जाते हैं, तो गूगल कहता है कि 1-2 लोग गलती से पहुंचेंगे, हम मानते हैं 7-8 लोग गलती से पहुंच जाएंगे, 2 लोग तो होंगे जो उसको पसंद करेंगे। अगर वो सारे के सारे लोग ही आपके कंटेंट को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका कंटेंट एक अच्छा कंटेंट नहीं माना जाएगा। आप लोगों को पता है इसमें से काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने YouTube पे चैनल वगैरह बनाया होगा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने YouTube पर चैनल वगैरह बना के वीडियो अपलोड करने की कोशिश की है, कभी ऐसा है कोई, एनीवन? देखो आप लोग पता है क्या करते हो, आपके काफी सारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो वो सबसे पहले मान लो मैं कह रहा हूँ आपको कोई फ्रेंड है जिसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, उसने सोचा मैं यूट्यूब पर ऑनलाइन अपने मैथमेटिक्स की वीडियो डालूंगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, एक चैनल बनाएगा, चैनल बनाने के बाद वो क्या करेगा, उस पर अपना कंटेंट डालना शुरू कर देगा। जैसे ही वो कंटेंट डालना शुरू करेगा, उसका पहला उसके पास ऑडियंस तो है नहीं अभी बेचारे के पास, तो करेगा क्या, अब किसको शेयर करेगा, अपने दोस्तों यारों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करना पसंद शुरू कर देगा, और सबसे बोल बोल के कहेगा कि इस पर लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। ऐसा होगा या नहीं होगा, बोलो जितने भी लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हो, बोलो ऐसा होगा या नहीं, ऐसे ही तो होगा ना। यस सर, अब उसमें से होता है, आपको पता है एक्चुअल में सिचुएशन क्या होती है, कि आपने मान लीजिए कि आपने 20 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया, आपने बोला कि ये मेरा वीडियो है, मैंने डिटर्मिनेशन या मैट्रिक्स का टॉपिक पढ़ाया हुआ है, इस वीडियो पे लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर भी कर दो, ठीक। और वो बंदा आपके जैसे आप उसको लिंक दोगे तो उस पर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद वो क्या करेगा, आपके वीडियो पे पहुंच जाएगा। अब वो वीडियो उसके मतलब का नहीं है, वो तुम्हारी सहानुभूति के नाम पे उसको लाइक भी कर देगा, कमेंट भी कर देगा, शेयर भी कर देगा, और जिनको शेयर करेगा वो भी क्या करेंगे, लाइक कमेंट भी कर देंगे, वो थोड़ा सा देखेंगे उनके भी मतलब का नहीं, वो तुरंत क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो कुल मिला के आपको पता है क्या हुआ, उस वीडियो पे जाने के बाद कोई भी रुक ही नहीं रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है पता है, ऐसा नहीं कि वीडियो अच्छा नहीं है, उनको उस वीडियो की नीड ही नहीं है, तुम अपने चाचा ताऊ को, मौसा फूफा को उठा करके वो वीडियो भेज दो, उनसे कह दो कि इस पे लाइक कमेंट कर दो, तो तुम्हारे नाम पे कर तो देंगे कि हमारे बेटे ने भेजा है, कर देते हैं, लेकिन क्या वो डिटर्मिनेशन या मैट्रिक्स के टॉपिक की नीड उनको है, सोचो जरा बात को।
और अगर नहीं है तो तुम्हारे नाम पे शेयर कर देंगे। उन्होंने मान लो 10 लोगों को शेयर किया, ठीक। मैं कहता हूं जिन 10 लोगों को शेयर किया उन्होंने कहा अरे यार चौहान साहब ने भेजा है, मैं भी इसको लाइक कमेंट शेयर कर देता हूं। उनको भी उसकी नीड नहीं है। गूगल क्या देख रहा है, लोग इस वीडियो पे जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, क्विट कर देते हैं। इसका मतलब ये कंटेंट अच्छा नहीं है। आपने किया था प्रमोशन के लिए, आप और नीचे आ गए, पता है आपको। तो यानी कुल मिलाकर के आप जब YouTube पर काम करना शुरू करते हो तो आपको डमी और फेक लाइक कमेंट नहीं लाने होते हैं, फेक इंप्रेशन से काम नहीं चलता। तो आप कहोगे शुरुआत में ऑडियंस आएगी कहां से, शुरुआत में आपको अपने वीडियो को ऑप्टिमाइजेशन पे ही तो ध्यान देना है। आपको इनऑर्गेनिक लीड्स लानी ही नहीं है, आपको लीड्स कैसी लानी है, ऑर्गेनिक। और एक चीज और मानी जाती है कि कोई भी अगर आपके वीडियो पे लिंक के द्वारा पहुंच रहा है, इसका मतलब वो फेक क्लिक है, इसका मतलब वो फेक क्लिक है। रियल क्लिक किसको माना जाता है पता है, रियल क्लिक उसको माना जाता है जो कि ऑर्गेनिक तरीके से उस कीवर्ड को जाके गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेगा और वो आपके वीडियो को जाके देखेगा। गूगल कहता है, यूट्यूब भी गूगल का ही प्लेटफॉर्म है ना, तो गूगल क्या कहता है कि अगर आप 30-40% 50% भी टाइम स्पेंड कर रहे हो तब भी मैं मान रहा हूँ इसका कंटेंट अच्छा है। लेकिन आप खोल रहे हो तुरंत उसको बंद कर रहे हो तो जाहिर सी बात है गूगल आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। शुरुआत में आपने जो वीडियो डाली वो 10 लोगों को दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल 12th क्लास का कोई बच्चा गया, उसने सर्च किया बेस्ट वीडियो फॉर डिटर्मिनेंट्स क्लास 12 करके कुछ भी डाला उसने, तो उसको वीडियो मिलेगी। उसके मतलब क्या है वो देखेगा, वो अपने 10 दोस्तों को भी शेयर करेगा, उसके मतलब क्या है वो भी उनको शेयर करेंगे, तो वहां से आपको ऑर्गेनिक लीड्स मिलेंगी। समझ गए ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये समझ रहे थे कि क्रॉलिंग होगी, क्रॉलिंग करने के बाद क्या होगी, इंडेक्सिंग होगी, और उसके बाद क्या होगा भैया, सर्विंग होगी और रैंकिंग की। सर्विंग होगी किस बेसिस पे, रैंकिंग के बेसिस पे, कि जिसकी रैंकिंग अच्छी गूगल सबसे पहले उसी को ही सर्व करना पसंद करेगा। और एक चीज और समझो, आपकी जो रैंकिंग होती है ना वो एक दिन में अच्छी नहीं हो जाती। मान लो आज आप वेबसाइट बना के बैठ जाओ, आप कह रहे हो मैं तो अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहा हूँ मैं भी ऊपर आ जाऊंगा, इतना आसान नहीं होता कुछ भी। 6 महीने का समय तो मिनिमम मान करके चलो कि आपको 6 महीने का समय देना पड़ेगा। कई बार हम लोगों को अनपेड कैंपेन्स के रास्ते से जाना पड़ेगा, कई बार हम लोग को पेड कैंपेन्स के रास्ते से जाना पड़ेगा। अगर आप पेड कैंपेन्स के रास्ते से जाना चाह रहे हो तो आपको गूगल एडवर्ड्स का सहारा लेना पड़ेगा, गूगल एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, गूगल सर्च कंसोल का यूज करना पड़ेगा, गूगल वेब मास्टर का यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में धीरे धीरे जब पढ़ाऊंगा तभी समझा सकता हूँ, अभी आज हम लोग केवल एसईओ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा जितना जैसे पढ़ा रहा हूँ सबको इतना तो लग रहा है ना कि फलाने को आता है, ऐसा तो नहीं कि नहीं लग रहा है कि नहीं इस फलाने को आता नहीं है। हाँ सही बता रहे ईमानदारी से ऑनलाइन वालों, लग रहा है ना कि तुम्हारे फायदे की बात हो रही है, ईमानदारी यस सर, से बोलना भैया। देखो मंगलवार का दिन है, झूठ ना बोलना। ऑफलाइन भी चल रहा है क्या सर? हाँ ऑफलाइन भी चल रहा है, इंस्टीट्यूट में हूँ, काफी लोग ऑफलाइन भी हैं। ठीक चलो बढ़ते हैं आगे। अभी एक चीज समझना, आज से तुम लोग एक चीज अपना स्टेटमेंट सुधार लो कि कभी भी अगर तुम कुछ सर्च करोगे, वेन एवर वी आर सर्चिंग सम एनीथिंग ऑन द गूगल, वी आर गोइंग टू सर्च ऑन द इंडेक्स ऑफ द गूगल, नॉट ऑन द इंटरनेट। बेसिकली हम लोग अगर गूगल पे जाके कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग गूगल के इंडेक्स पे सर्च कर रहे हैं, हाँ है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है गूगल ने इंडेक्सिंग कर रखी है चीजों की। हम लोग इंटरनेट, जब भी आप कभी बोलते हो ना, अभी आप क्या बोलते हो कि हमने इंटरनेट पे सर्च किया, सो इंटरनेट पे सर्च किया इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। एग्जैक्ट ट्रू स्टेटमेंट क्या है कि हम लोगों ने सर्च किया गूगल के इंडेक्स पे। क्लियर है? ठीक, अभी अगला पॉइंट समझ। अभी एक क्वेश्चन और है, अगर स्पाइडर्स की टेक्निकल डेफिनेशन को थोड़ा समझा जाए तो स्पाइडर की टेक्निकल डेफिनेशन ऐसे समझो, स्पाइडर्स आर दोज एल्गोरिदम और सर्वर ऑफ गूगल विच कम्स ऑन अवर वेबसाइट एंड टेक ऑल द डेटा फ्रॉम अवर वेबसाइट। स्पाइडर क्या होते हैं, गूगल के एल्गोरिदम है या फिर गूगल का सर्वर है जो कि क्या करता है, बिना बुलाए मेहमान है, हमारी वेबसाइट पे आएगा और हमारी वेबसाइट से सारा डेटा लेके चला जाएगा। डेटा क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, मैप, कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक चीज और है, अगला क्वेश्चन आता है कि सर ये बताइए गूगल को इंफॉर्मेशन मिलती कहां से, होता है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, वाजिब है, क्या है क्वेश्चन, गूगल सर गूगल को इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है। गूगल इंफॉर्मेशन लेता है वेब पेजेस से। भाई जाहिर सी बात है अलग अलग वेबसाइट बनी होंगी, भाई गूगल ने हमको अभी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में इतने रिजल्ट ला के दिए तो गूगल ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से लाया होगा, अलग अलग वेबसाइट्स पे गया होगा, अलग अलग वेब पेजेस में गया होगा, वहां से उसने इंफॉर्मेशन ला करके दे दी होगी। यूजर सबमिटेड कंटेंट सच एज गूगल माई बिजनेस एंड मैप यूजर सबमिशन,
कई बार गूगल हमको कहां से डेटा लाके देता है कि मान लो किसी ने कुछ मैप वगैरह में सबमिट किया है, किसी ने गूगल माई बिजनेस पर क्वेरी की है। गूगल माई बिजनेस आपको पता क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस को अभी सर्च कर रहे हो, तो ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है ना, वेबसाइट डायरेक्शन और ये सब, ये किस चीज का रिजल्ट है आपको पता है? ये गूगल माई बिजनेस का रिजल्ट है। ये किस चीज का रिजल्ट है? गूगल माई बिजनेस का रिजल्ट है। देखो यहाँ ध्यान से लिख के भी आ रहा है, मेरी सेम आईडी से लॉगिन है ना अभी। अगर एज अ गेस्ट लॉगिन करूंगा तो ये सब थोड़ी ना खुल के आएगा अभी मेरे सामने, समझ रहे हो? इसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरी सॉल्यूशन वेबसाइट आ रही है। इसके बाद क्या आ रहा है, मेरा फेसबुक पेज आ रहा है। इसके बाद क्या आ रहा है, मेरा लिंक्डइन का पेज आ रहा है। इसके बाद क्या आ रहा है, magicpin.in पर भी मैं रजिस्टर्ड हूं। तो एक बात बताए, एक चीज समझो, लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस गूगल पर इतने ज्यादा लोगों ने सर्च कर लिया है कि गूगल के दिमाग में ये बैठ गया है कि लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस यही है। इसीलिए गूगल ने क्या करा, मेरे फेसबुक पेज को, मेरे लिंक्डइन पेज को, मेरे इंस्टाग्राम को, मेरे वेबसाइट को, मेरे बिजनेस पेज को, सबको क्या कर दिया, उठा करके प्रॉपर इंडेक्स कर दिया। अब अगर किसी को यहां से मेरी वेबसाइट वगैरह पे जाना होगा तो यहीं से रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा। किसी को केवल मेरे को कॉल करना होगा तो यहां से कॉल पे जाएगा, सीधा कॉल कर लेगा, बरबर ना? अच्छा, गूगल की एक सर्विस और है कि आप यहीं से कॉल पे क्लिक करो लेकिन कॉल जाएगी आपके मोबाइल फोन से। हाँ, ऑटोमेटिक कनेक्शन होता है ना, ये सब सीखोगे धीरे धीरे। अच्छा, अब जब यहां तक आ ही गए तो एक काम और करना सर, है, ये क्या पेज कैसे बनाते हैं? चीज, ये पेज जो आपने अभी जो दिखाया, इसको कैसे बनाते इसको बनाने का प्रोसेस समझाएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास में, ठीक है? हैं? ओके सर। अच्छा, अभी सब लोगों का एक होमवर्क है कि सबको मेरे को 5 स्टार रेटिंग देनी है, ठीक, ईमानदारी के साथ, ठीक? चलो, वरना मैं स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ, इन लोगों को लास्ट नेक्स्ट क्लास मिलेगी नहीं, ठीक, समझ लो, धमकी समझ लो, ठीक। अगला पॉइंट समझो, बुक स्कैनिंग। बुक स्कैनिंग का मतलब क्या है? कई बार आप लोगों को पता होगा कि आप लोग किसी पर्टिकुलर नीश के बारे में सीधा पीडीएफ डाल के सर्च कर लेते हो, तो गूगल वो पीडीएफ लाता कहाँ से है? जाहिर सी बात है, गूगल ने उस पीडीएफ को कहीं ना कहीं स्कैन देखा होगा तो उसने उसको रिजल्ट में लाके देने लगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिया 11th क्लास एनसीईआरटी पीडीएफ, आ गया ना, देखो काफी सारे रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये सब पीडीएफ ये ला करके कहां से दे रहे हैं हमको? वेब पेजेस से। हमने यहाँ पे डाला SEO PDF, तो आ गया ना सबसे पहला, समझ रहे हो? तो बुक स्कैनिंग से भी गूगल रिजल्ट्स ला करके देता है। अगली बात, इंटरनेट पर जो पब्लिक डेटाबेस अवेलेबल है, जैसे कि लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, देखा ना अभी पब्लिक डेटाबेस ही तो है ये। पब्लिक डेटाबेस का मतलब क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि मेरा दिखा रहा है। भाई तुमने सर्च तो करा था लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन, उसने मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक क्यों दिखा दिया? क्योंकि उसने पब्लिक डेटाबेस से भी लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस को सर्च करने की कोशिश की है। तभी तो गूगल, फेसबुक इन सब ने आपस में टाई अप कर रखे हैं, समझ गए? डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल ऐप से भी गूगल डेटा निकालने की कोशिश करता है। आपको पता है आपके सभी लोगों के फोन में गूगल असिस्टेंट है, हाँ है ना? जो लोग आईफोन यूज करते हैं उनके फोन में क्या है? सिरी, है ना? सिरी तो होता है, हाँ भैया पता है। सुनो सुनो, तो क्या बता रहे हैं, गूगल असिस्टेंट, आपको पता है कि आप लोग दिन भर में जो कुछ भी कर रहे होते हैं ना, आपका गूगल असिस्टेंट आपकी नजर में चल नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में गूगल असिस्टेंट बैकएंड में सारा काम कर रहा होता है। वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है, आप कहाँ जा रहे हो, आप कब क्या चीज विजिट कर रहे हो, आप कब क्या खा रहे हो, कब किस दोस्त से बात कर रहे हो, कब किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, अभी आप 2 4 दिन केवल अपने दोस्त से ये बात कर लो कि मुझे iPhone 11 लेना है, केवल 2 4 दिन बात कर लो, गूगल ऑटोमेटिक आपको फेसबुक पर, वेबसाइट पर आईफोन का ऐड दिखाना शुरू कर देगा, कहेगा आप तो तुम ले ही लो, समझ गए? होता क्या है, उस गूगल को कैसे पता चले यार कि आईफोन के बारे में बात कर रहा है? तुम अपना फोन अपने साथ रखते हो ना, गूगल असिस्टेंट आपकी सारी बातों को रिकॉर्ड करता है। ये मतलब क्या, तो छुपा रुस्तम जासूस है एक तरह से। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, आपको पता होगा कि मान लीजिए आज आप आईफोन ले भी लेते हो, आपने उसके कहने पर आईफोन ले लिया, नेक्स्ट टाइम आपको जो एड दिखेंगे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे या गूगल पे, वो आईफोन के एसेसरीज के दिखेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि इस बंदे ने आईफोन तो ले लिया, यानी अभी कोई नया फोन तो नहीं लेगा, लेकिन ये आईफोन के एसेसरीज जरूर ले लेगा, बैक कवर ले लेगा, टेम्पर्ड गार्ड ले लेगा, और चार्जर ले लेगा, हैंड फ्री ले लेगा, समझ गए ना? तो कुल मिलाकर के इस तरीके से पूरी मार्केटिंग होती है। ये डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेटिक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक दिन में इसको कवर कराना बेहद मुश्किल होता है, समझो मेरी बात। इंडेक्सिंग की बात करते हैं, आफ्टर अ पेज इज डिस्कवर्ड गूगल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द पेज इज अबाउट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। गूगल ये समझने की कोशिश करता है कि ये पेज एक्चुअल में किस चीज के ऊपर है। थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर आर यूज फॉर इंडेक्सिंग, जैसे बताया था होस्टिंग के बारे में, थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर यूज होते हैं, जाहिर सी बात है ना, अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग तरह का डेटा, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन। सर्विंग एंड रैंकिंग किस बेसिस पे होती है?
क्वालिटी और रिलीवेंसी के बेसिस पे होती है कि क्वालिटी कैसी है और रिलीवेंट डेटा है या नहीं है, उसी हिसाब से सर्व किया जाएगा। क्लियर है? एक कहानी और याद रख, एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, गूगल नेवर क्रिएट कंटेंट। गूगल का स्लोगन है ये, क्या गूगल तुम लोग को पता है? तुम लोग गलती क्या करते हो, तुम लोग अभी किसी से कुछ भी पूछते हो तुम कहते क्या हो कि गूगल ने बताया था, गूगल में देखा था। तो गूगल क्या खुद कंटेंट बनाता है क्या? सुंदर पिचाई जी ने कोई टीम लगा रखी है क्या जो कंटेंट बनाता है ला करके? तो गूगल कभी कोई चीज खुद नहीं बनाता है। गूगल क्या करता है, हमारे आपके द्वारा जो वेबसाइट बनाई गई है, हमारे आपके द्वारा जो वेब पेजेस बनाए गए हैं, ये क्या करता है, उन्हीं जगह से लेकर के इंफॉर्मेशन को क्या करता है, इंडेक्स करता है और उसी के बेसिस पर चीजों को सर्व करना स्टार्ट कर देता है। समझे मेरी बात? सो गूगल नेवर क्रिएट्स कंटेंट। गूगल का खुद का कुछ नहीं होता। मानते हो कि नहीं मानते हो? कैसे? मान लो अभी हम एपीजे अब्दुल कलाम को सर्च कर रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, यहां पर कहां लिख करके आ रहा है, उसने कहां लिख करके दिया है कि हमने ये कंटेंट दिया। ध्यान से देखो, ये विकिपीडिया ने दिया है। ये क्वेश्चंस के आंसर कौन दे रहा है? बायजूस दे रहा है। इन क्वेश्चंस के आंसर किसने दिए हुए हैं? इंडिया टुडे ने दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ बुक्स आ रही हैं, बुक्स के लिंक किसके होंगे? अमेजन वगैरह के होंगे, हो सकता है कुछ मूवीज के आ रहे हैं, ये बुक्स आ रही है ना सर? हाँ बुक्स आ रही है। यहां से जाओगे तो सीधा अमेजन पे पहुंच जाओगे। तो क्या गूगल का खुद का कुछ है? सो गूगल नेवर क्रिएट्स कंटेंट। आज के बाद दो स्टेटमेंट सुधारने होंगे भैया। गलती जो कर रहे हो जीवन में इतने दिनों से वो सुधार लो। पहली, गूगल का खुद का कुछ नहीं है। दूसरी, जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, गूगल के इंडेक्स पे सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट पे नहीं सर्च कर रहे हैं। क्लियर मेरी बात? हाँ। अब एक चीज समझो, एसईओ करने के लिए लगभग 200 से भी ज्यादा फैक्टर है। कितने फैक्टर्स हैं? 200 से भी ज्यादा फैक्टर है। कोई भी वेबसाइट वाला अगर अपनी वेबसाइट का एसईओ करना चाहता है, अगर वो बंदा भी अपनी वेबसाइट को ऊपर लाना चाहता है, तो उसको इन 200 फैक्टर्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर ये 200 फैक्टर्स तो बहुत बड़ी बात है सर, कैसे होंगे 200 फैक्टर्स इंप्लीमेंट? करने ही पड़ेंगे। अगर आपको ऊपर आना है, अच्छी सेल चाहिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए, अच्छा आपको रिजल्ट चाहिए, आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपको 200 फैक्टर्स फॉलो करने पड़ेंगे। और वही बंदा ऊपर आ भी पाया है जिसने 200 फैक्टर्स फॉलो करे हैं। समझ रहे हो? वरना आओगे तो आप भी सेकंड और थर्ड पेज पे, कहोगे कि मान लो सर एसईओ केवल हम और आप थोड़ी ना जानते हैं, एसईओ तो दुनिया में बहुत सारे लोग जानते हैं, तो क्या सब लोग ऊपर आने लगेंगे? ऐसा नहीं होता। ऊपर आने में समय लगता है। आपको पता है एक चीज, जरा ध्यान से देखना, अभी आप केवल इंटरनेट पे लक्ष्य आईटी डालो, ऑटोमेटिक वो देने लगता है सजेशन। देखना अभी दिखा रहा हूं, पूरा हटा दे रहा हूं। मैंने केवल लक्ष्य आईटी डाला, देखो सजेशन में आने लगता है लक्ष्य आईटी सोल्यूशन। ये अभी मेरे में आ रहा है, तुम लोग सर्च करोगे तब भी तुम्हारे में भी आएगा। तो तुम्हें क्या लगता है मेरी वेबसाइट का एसईओ एक दिन में हो गया होगा? टाइम लगता है, चीजों में समय देना पड़ता है, लेकिन जिस दिन आप ऊपर आ गए ना, उस दिन से आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक नजर आने लगेगी। क्या फर्स्ट डे से अंकित गुप्ता डिजिटल मार्केटिंग के वर्कशॉप ले रहे होंगे जब 7 साल पहले पढ़ाना शुरू करा था? नहीं ना, समझ सकते हो हर चीज में समय लगता है। 200 फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कौन सा? कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड क्योंकि रिसर्च कीवर्ड्स पहले हमें टारगेट करने होंगे। कीवर्ड रिसर्च का कॉन्सेप्ट मैं कल प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च एक्चुअल में करते कैसे। एसईओ दो तरीके का होता है, एक होता है ऑन पेज एसईओ और दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ। एसईओ इज ऑफ टू टाइप, द फर्स्ट वन इज ऑन पेज एसईओ एंड द सेकेंड वन इज ऑफ पेज एसईओ। ओके, अभी समझते हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में कि एक्चुअल में ये ऑन पेज एसईओ क्या होता है और कैसे काम करता है। जस्ट अ मिनट, समझो। ऑन पेज एसईओ के लिए सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, वो है कीवर्ड रिसर्च। क्या है? कीवर्ड रिसर्च। अब देखो ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ में क्या डिफरेंस होता है बताओ? ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि वेबसाइट्स में लगभग ये सारे चेंजेस कर दो तो ऑन पेज एसईओ हो गया। मतलब सबसे पहली बात, कीवर्ड डेंसिटी देखो। कीवर्ड डेंसिटी देखने का मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए मैंने कहा कि यहां पर हम लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस की वेबसाइट खोलते हैं। अब छोड़ो, मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड डाला, बेस्ट फोटोग्राफर इन लखनऊ। क्या है कीवर्ड मेरा? बेस्ट फोटोग्राफर यहां पे मान लो हम किसी भी वेबसाइट के पास जा रहे हैं, श्रीवास्तव स्टूडियो .com। अब एक चीज समझना, सबसे पहला क्या था? कीवर्ड डेंसिटी।
कई बार कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि वो एक ही कीवर्ड को 10 बार यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वेबसाइट वाला चाहता है कि जब भी कोई गूगल पे डाले बेस्ट फोटोग्राफर इन लखनऊ, तो उसमें हम ही आए। ठीक है, तो इसने इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट के अंदर इस कीवर्ड को बार बार यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आप उसको अपनी वेबसाइट के अंदर पहले तो कीवर्ड रिसर्च करेगा कि लोग क्या डाल के सर्च करते हैं फोटोग्राफर्स के बारे में। फिर उसको जो जो कीवर्ड मिलेंगे, टॉप 5, 6, 7, 8, 10, वो अपनी वेबसाइट में इन कीवर्ड्स को जगह जगह पर अलग अलग तरीके से यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो यहाँ पे डाल सकता था वी आर लिखो लिखा है ना, वी ऑल्सो प्रोवाइड प्री वेडिंग शूट इन लखनऊ। इसने कई जगह पर यूज करा होगा ये भी वर्ड, वी आर बेस्ट फोटोग्राफर इन लखनऊ, वी आर अवार्डेड एज बेस्ट फोटोग्राफर इन लखनऊ, ऑल पीपल्स कॉल अस बेस्ट फोटोग्राफर इन लखनऊ। तो इसने अलग अलग कीवर्ड यूज करा होगा, तो इसने बेस्ट फोटोग्राफर इन लखनऊ अपनी वेबसाइट में अलग अलग तरीके से कई जगह पे यूज कर लिया। लेकिन ऐसा करने के लिए ये नहीं है कि आपको कीवर्ड स्टफिंग कर देनी है। कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब ऐसा नहीं कि जरूरत से ज्यादा कर दो। 1 मिनट रुकिएगा, जरा अर्जेंट कॉल है। तो जाहिर सी बात है कि लोग इसको अलग अलग तरीके से सर्च करेंगे, तो जब लोग इसको अलग अलग तरीके से सर्च करेंगे तो इसको अपनी वेबसाइट पर कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं कर देनी है। मान लो इसने बहुत अच्छी कोशिश करी है एसईओ करने के लिए, लेकिन इसने कीवर्ड स्टफिंग कर ली, तो गूगल इनकी वेबसाइट को रैंक कराएगा ही नहीं। गूगल का ये भी एक फैक्टर है कि आप कीवर्ड को यूज करो अपनी वेबसाइट पर, हम मना नहीं कर रहे हैं। नहीं यूज करोगे तो ऊपर कैसे आओगे, हमें कैसे पता चलेगा कि आप बेस्ट फोटोग्राफर हो लखनऊ के। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पूरा वही पैराग्राफ ही लिखते चले जा रहे हो, आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। दूसरा क्या कह रहा है कि आपको टाइटल ऑप्टिमाइज करना है, आपको हेडिंग ऑप्टिमाइज करनी है, और साथ ही साथ आपको यूआरएल भी ऑप्टिमाइज करना है। टाइटल ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है कि आपको एक बेस्ट टाइटल बनाना है अपनी वेबसाइट के लिए। क्या बनाना है आपको अपनी वेबसाइट के लिए, एक बेस्ट टाइटल बनाना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर टाइटल बोलते किसको है, जो यहाँ पर आपको लिख करके आ रहा है ये बेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जब यहाँ पे देखोगे तो आपने अभी उस वेबसाइट का कंटेंट थोड़ी ना देखा है, आप इस टाइटल को देख करके उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, तो अगर टाइटल ही अच्छा नहीं होगा तो लोग जाना क्यों पसंद करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो टाइटल ऑप्टिमाइज करना है, साथ ही साथ मेटा डिस्क्रिप्शन को भी ऑप्टिमाइज करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब जो यहाँ पे लिख करके आ रहा है ना, आपको कम शब्दों में अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पे लिख देना है, इतना अच्छा लिखना है कि लोग उस पर क्लिक कर ही दें। कंटेंट मार्केटिंग भी हम सिखाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, कि अच्छा कंटेंट कैसे बनाना है, समझ रहे हो मेरी बात। यदि यहाँ पे लिख के आ रहा है ना, कैंडिड फोटोग्राफर इन लखनऊ श्रीवास्तव स्टूडियो, इनका टाइटल तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? किसको लग रहा है इनका टाइटल अच्छा, जरा ईमानदारी से बताओ, किसी को लग रहा है इनका टाइटल अच्छा? जवाब ना की तरफ ज्यादा आते हुए दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने सर्च किया होता बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन लखनऊ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना टॉप प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स इन लखनऊ। इंटरेस्ट आ गया ना टाइटल देख करके, कि जो हम चाह रहे थे वही है, समझ गए। यहाँ पे देखो ऊपर ऊपर इन्होंने कुछ नाम भी दे दिया है, विजय स्टूडियो, सुबोध वाजपेयी फोटोग्राफी, गैलेक्सी स्टूडियो, योगेश फिल्म, गोमती स्टूडियो, रैंडम क्लिक्स, धीरज फोटो पॉइंट। तो यहाँ पर यूजर की रिक्वायरमेंट पूरी होती हुई समझ में आ रही है, समझ गए ना। और अभी देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट और लिखे थे, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन समझ में आ गया होगा, हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, ये इतना आसान नहीं कि मैं अभी समझा पाऊँ। मेटा डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया, आपको हाई क्वालिटी का कंटेंट डालना है, आपकी जो इमेजेस होनी चाहिए वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए, आप जो भी ग्राफिक्स डालोगे वो भी सारे हाई क्वालिटी के होने चाहिए, फुल एचडी में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके पिक्सल्स फट रहे हो, अगर ऐसा होगा तो लोगों का एक्सपीरियंस वहां से खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे अभी हम लोगों ने किसकी वेबसाइट खोली थी, चलो अब इनकी खोल लेते हैं। मान लो इस वेबसाइट पर हम जा तो रहे हैं, लेकिन इस वेबसाइट वाले ने बहुत अच्छे ग्राफिक ही नहीं यूज करे हैं, बहुत अच्छा इंटरफेस इसने वेबसाइट का नहीं दिया, तो कौन जाना पसंद करेगा। इनकी वेबसाइट का इंटरफेस मुझे बहुत प्यारा लगता है, एग्जैक्टली बता रहा हूँ। ये देखो, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सारी की सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहीं पे ही मिल जाएंगी। मेन्यू वगैरह का कोई काम ही नहीं, खत्म मेन्यू वगैरह का काम। और देखो कितनी अच्छी क्वालिटी की फोटोज इन्होंने लिखी हुई है, आप जहां पे क्लिक करो देखो एनिमेशन कितने प्यारे लगाए हैं, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक, साइट मैप क्या होता है, साइट मैप यार बाद में बताऊंगा, ये टेक्निकल चीजें हैं। इमेजेस, ये सारी की सारी टेक्निकल चीजें हैं, मैं अभी कल डिस्कस करूंगा। तो अभी फिलहाल होपफुली मैंने आज एसईओ का इंट्रोडक्शन आप सभी कल को क्लास दिया। होगी हाँ जी, सर? कल क्लास होगी? हाँ हाँ बिल्कुल, कल क्लास होगी, अभी कल मुझे एसईओ का टॉपिक कंप्लीट करना है, समझ रहे हो मेरी बात। ओके, कल की क्लास तो ऑनलाइन बेहद सर? इंपॉर्टेंट होगी, कल की क्लास तो बिल्कुल भी स्किप करनी नहीं है। चलो अच्छा, अभी एक काम करते हैं, कम शब्दों में मैं आप लोगों से अभी एसईओ का इंट्रोडक्शन लूंगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ
कि कल की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात क्या सीखेंगे, कीवर्ड रिसर्च करना सीखेंगे, साथ ही साथ कल की क्लास में हम लोग ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ के बारे में भी डीप में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ होता क्या है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि एक दिन में अगर इतना पढ़ा दिया जाएगा, आज ऑडियंस भी थोड़ी कम है तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्लास को वाइंड अप करने से पहले आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा कि आपने एसईओ के बारे में आज की क्लास में क्या सीखा। अभी अभी आप लोगों से मेरी क्वेरी ये है कि आज की क्लास एसईओ के ऊपर थी हमारी, तो आपने आज की क्लास में एसईओ के बारे में क्या चीजें जानी। वन बाय वन करके आप लोग आंसर कर सकते हैं कि कितने लोग हैं जिन्होंने एसईओ को सही से समझा है और आप एसईओ के बारे में क्या जानते हो आज के बाद, क्या बताओगे? चैट बॉक्स में प्लीज मत टाइप करिए, जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ। प्लीज रिस्पॉन्स। दिलीप आपसे शुरू करते हैं, आपने एसईओ के बारे में क्या सीखा आज, क्या है एसईओ? सर, एसईओ को करने के लिए 200 से भी ज्यादा फैक्टर को ध्यान देना पड़ेगा। वेबसाइट बनाते वक्त हमें अच्छा खासा एक टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, और अच्छी क्वालिटी की इमेजेस वगैरह इस्तेमाल करनी है, जिससे यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे, बिगड़ ना जाए कहीं। बिल्कुल सही बात है। और कौन बताना चाहेगा? दीपक मौर्य करके समवन इज कनेक्टेड, अर्पिता गुप्ता करके समवन इज कनेक्टेड, प्लीज आंसर। संजय सिंह, सुहेल शेख, सभी लोग आंसर करो वन बाय वन करके। अर्जुन कुमार करके समवन इज कनेक्टेड, अर्जुन बताना चाहोगे? संजय सिंह, यस सर। हाँ बताना चाहोगे? अर्जुन, एसईओ के बारे में क्या सीखा आज आपने? सर, अपनी वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए एसईओ का यूज किया जाता है सर। एसईओ क्या है एक्चुअल में, कौन बताएगा? यहाँ पे जो लोग ऑफलाइन बैठे वो भी बता सकते हैं। एसईओ सर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इसके लिए हम लोगों को एसईओ के फैक्टर्स, 200 फैक्टर्स को फॉलो करना पड़ेगा, प्लस अपने हेडिंग्स के लिए और उसका कंटेंट ये जो अच्छे से लिखना टेक्निकल टर्म्स पड़ेगा। है ना, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ के, इसको अभी कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल की क्लास होगी 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक। कल की क्लास 2 घंटे की होगी, 4 to 6। तो कल की क्लास में लगभग बहुत सारी चीजें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। आज ऑडियंस थोड़ी कम है इसलिए मैं भी थोड़ा चीजों को पॉज करूंगा अभी, ठीक है ना। सो होपफुली आप सभी को एसईओ का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, हैव अ सर नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। किसी सर की कोई सर सर क्वेरी डाउट सर हो सकता है तो मुझसे पूछ सकते हो। हाँ बताइए सुहेल, कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, क्लास 5 बजे से रख लीजिए, क्योंकि 4 बजे वो सॉरी 3 बजे कॉलेज ओवर होता है, 1 घंटे में कॉलेज नहीं घर वापस नहीं आ पाते हैं सर। चलिए ठीक है, इस बारे में हम लोग टेक्निकली बातचीत कर लेंगे कॉल करके, ओके ठीक है। मैं इस बारे में मैनेजमेंट से बात करके बताता हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ओके आप सभी लोग इसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट को एक मैसेज डाल दो। ओके ओके सर। ओके, ठीक है गाइस, बाय।